मोदी सरकार विकास के साथ साथ देश की बाहरी सुरक्षा को भी मजबूत करने पर जोर दे रही है। पाकिस्तान के बाद मोदी सरकार चीन को भी सबक सिखाने की तैयारी में है। कूटनीति चाल के साथ साथ पीएम मोदी चीन को देश की व्यवस्थाओं को मजबूत कर घेर रहे हैं। देश के नॉर्थ ईस्ट इलाकों पर नजर रखने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार आसमान से लेकर जमीन तक जाल बिछा रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने सिक्किम में पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चीन को झटका दिया था। माना जाता है जब चीन के खिलाफ हमारे सैनिक लड़ रहे थे तब उनके पास खाने पीने व सैन्य उपकरण पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे थे और ये भी एक वजह है कि हमारे सैनिकों को चीन के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। सिक्किम में अब एयरपोर्ट के निर्माण होने से अब देश के जवानों को किसी भी इमरजेंसी में उनके जरूरतों का सामान पहुंचाया जा सकेगा। सिक्किम में एयरपोर्ट विकसित करने के अलावा मोदी सरकार चीन को घेरने के लिए अब लेह तक रेल भी पहुंचा रही है। इससे लेह जाने वाले लोगों को रेल सुविधा मिलने के साथ साथ चीन की सीमा से लगे भारतीय हिस्से में जरूरी सामानों को पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। रेलवे ने बिलासपुर मलाली लेह रेल मार्ग पर काम करना शुरू कर दिया है। पहले चरण की स्टडी के अनुसार इस रेल लाइन की लंबाई करीब 465 किलोमीटर होगी। इस रूट पर 75 किमी प्रति घंटा तक की गति से रेलगाड़ी को चलाया जा सकेगा। रूट पर कुल 30 रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस रूट का 52% हिस्से में पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाकर वहां पर पटरियां बिछाई जाएंगी। रूट की सबसे लंबी सुरंग 27 किलोमीटर की होगी। प्रोजेक्ट को पूरा करने की कुल लागत करीब 83,360 करोड़ रुपए बताई गई है।